चलिए तो देखिए, यहाँ पे मुझे गलती पता चल गया कहाँ पे है। ये देखिए, मैं जो एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट कर रहा था बेसिकली फॉर लूप के अंदर, तो मैंने एरे लिस्ट पे ऐड किया था यहाँ पे एलिमेंट। देखिए आप, ऐड यहाँ पे एरे लिस्ट पे किया, तो एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट पे जब मैंने एलिमेंट ऐड किया तो ये पूरा जो 1 लाख एलिमेंट्स ऐड हो गए, तो एरे लिस्ट के लिए तो सही चला। लेकिन ये काम जो मैंने लिंक लिस्ट के लिए करना था, तो वो रेफरेंस वेरिएबल जो कि यहाँ पे मेरा रह गया था लिंक लिस्ट एरे लिस्ट वाला ही, तो जो कि एरे लिस्ट में जब आइटम ऐड होगा तभी तो आप फेच कर पाओगे, तो वहाँ पे बेसिकली वो दिखा रहा था कि वो वहाँ पे आइटम है ही नहीं, तो इंडेक्सिंग मेंटेन ही नहीं हुई है, तो इसलिए एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ रहा था, राइट। तो ये ऐड करने में दिक्कत हो गई थी यहाँ पे, हमने लिंक लिस्ट पे ऐड करना था, ठीक है। अब उसके बाद फेचिंग जो है, हाँ ये हो गया एरे लिस्ट की और ये हो गई लिंक लिस्ट की। तो लिंक लिस्ट की अब फेचिंग जो है, यहाँ पे मैं आई को प्रिंट नहीं कराऊंगा, बहुत मतलब एक एक करके वो प्रिंट करेगा तो आपको दिखेगा वहाँ पे। तो अब आप यहाँ पे जब इसको रन करोगे तो आप देख सकते हो कि लिंक लिस्ट का जो ये देखिए लास्ट में आया है, थोड़ा सा लेट में आया है क्योंकि एक एक करके निकालना है ना। तो जो लिंक लिस्ट होती है वहाँ पे क्या होती है भाई, एक लिंक्ड मतलब बहुत सारे कह सकते हो डबली लिंक लिस्ट मेमोरी के अंदर क्रिएट होती है, ठीक है। और वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक एक करके एक एक फेच एलिमेंट्स को फेच करके लाने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो आपका एरे लिस्ट के अंदर ऐड ऑपरेशन में टाइम लगता है और लिंक लिस्ट के फेच ऑपरेशन में टाइम लगता है। तो जो फेच ऑपरेशन है, गेट ऑपरेशन है, वो एरे लिस्ट का फास्ट है ना, और जो आपका ऐड ऑपरेशन है वो लिंक लिस्ट का फास्ट है। क्लियर? देखो इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ओ एन नोटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट होगा वो, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ऐड की कहानी और गेट की कहानी। अगर यही काम हम रिमूव में करते हैं तो क्या होता है, ज़रा देखते हैं। रिमूव ऑब्वियसली हमारा एरे लिस्ट का मतलब ज़्यादा टाइम लेगा रेदर देन लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट में क्या कहानी है याद रखिएगा, लिंक लिस्ट में आपका जो मैनिपुलेशन पार्ट है ना, वो मैनिपुलेशन पार्ट वो फास्टर होता है। मतलब जब आपके पास कोई कलेक्शन है जहाँ पे आप फ्रिक्वेंटली इंसर्शन कर रहे हो, डिलीशन कर रहे हो, अपडेशन कर रहे हो, तो आप लिंक लिस्ट प्रेफर करना। लेकिन अगर आपको कहीं मतलब केवल फेचिंग का काम करना है, फटाफट फटाफट निकालना है, तो वहाँ पे एरे लिस्ट प्रेफर करना, ठीक है। जैसे आप ऐसे समझ लो कि वेबसाइट बनाएंगे हम आगे चल के, हम ऐड टू कार्ट की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करेंगे। तो आपको मैं बताऊँ, ऐड टू कार्ट में जब आप कार्ट के अंदर आइटम ऐड करते चले जाते हो तो आइटम को उठा के किसी कलेक्शन में ही डाला जाता है, फिर उस पर्टिकुलर डेटा को आपकी मतलब डिपेंड करता है कि आप उसे डेटाबेस में डालना चाहते हो या ब्राउज़र के कैसे में सेव कराना चाहते हो, है ना। तो ये चीज़ होती है, तो उसके लिए आप कलेक्शन प्रेफर करोगे। तो अगर आपको फ्रिक्वेंटली वहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन अपडेशन करना है तो आप लिंक लिस्ट लगा लेना, और केवल फेचिंग फेचिंग का काम करना है जल्दी जल्दी तो उस केस में आप क्या लगाएंगे, एरे लिस्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एरे लिस्ट, और यहाँ गेट के जगह पे मैं कर देता हूँ रिमूव, सेम एलिमेंट पे रिमूव, इंडेक्स वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सब कुछ सही है। ऑब्जेक्ट इस बार थोड़ा सा देखना है हमें, रिमूव टाइम, रिमूव टाइम, कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब आप चला के देख लीजिए, ये देख सकते हैं हम नीचे, ये हमारा 3 तो बहुत जल्दी हो गया चूँकि फिर हमने कोई गलती कर दी, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, कहीं ना कहीं हमने एलिमेंट, लेकिन हमने कहीं गलती तो करी नहीं है, रिमूव में रिमूव इंडेक्स से ही हो रहा है हमारा। ऐसा कर लेते हैं ना, चूँकि वो लास्ट वाले इंडेक्स की वैल्यू हमें मिलेगी नहीं ना, तो लेकिन मिलनी तो चाहिए। अभी क्या दिक्कत आ गई, लास्ट वाली वैल्यू हमें मिलेगी नहीं, एक वैल्यू हमारी रह जाएगी ना, तो क्या करें। यहाँ से मैं एक काम करता हूँ ना, देखिए ऊपर से हमने ऐड इंसर्शन ये एरे लिस्ट पे ऐड किया, ये लिंक लिस्ट पे ऐड किया, ठीक है।
ये हमने गेट किया, एरे लिस्ट पे गेट किया, लिंक लिस्ट पे गेट किया। ये एरे लिस्ट पे हमने रिमूव किया एंड देन लिंक लिस्ट पे हमने रिमूव किया, लिंक लिस्ट पे रिमूव किया है। तो ज़ीरो से लेके लेस देन इक्वल टू कर लेते हैं ना यहाँ पे हम, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू कर लेंगे तो हमारा इक्वल टू तक हमारा वो कंडीशन चेक होगा। फिर अगेन ये नो सोर्सेस क्यों दे रहा है, रिमूव ऑपरेशन ओके, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं हम, आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो से न लेके यहाँ पे 9999, ठीक है ना। 4 टाइम 9 लगाएंगे, और यहाँ पे जो ग्रेटर देन हमने लगाया है इज़ ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन लगाया है, यहाँ पे हम ग्रेटर देन लगा देंगे, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरा ग्रेटर देन का साइन कहाँ से आएगा, यहीं से तो आता है ये। बड़ी समस्या है, मेरा कीबोर्ड में ये ग्रेटर देन का ही साइन यहीं से तो आता था, मैंने कैसे कर दिया था मैं। शायद मैं इससे करता था या एल्ट, नहीं ग्रेटर देन का साइन मेरा कीबोर्ड एक्चुअली दूसरा है यहाँ पे। आपको दूसरी लोकेशन पे हो शायद। हाँ क्या दिक्कत है यार, सर एलए के बगल में, देखो एलए के बगल में LA के बगल कहाँ में। पे, एलए के बगल में पास। हाँ बेटा वो तो मुझे पता है, लेकिन ये चीज़ सर कोई इसे गूगल से कॉपी कर लो, लेस देन साइन हाँ ग्रेट ग्रेट लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन चाहिए बेसिकली मुझे। आई या ये फिर आई माइनस माइनस कर दो सर, वहां पे प्लस प्लस की जगह पे। आ गया, ये शिफ्ट के साथ है ना। अच्छा ये कौन सी ग्रुप कीबोर्ड है सर आपका, अरे ये दूसरे लैंग्वेज में है, यहाँ से हमने आई इज़ ग्रेटर देन। अच्छा उसके बाद मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, इसको ज़ीरो से ही लेके चलता हूँ, ठीक है। वो एलिमेंट रह जा रहा है ना, तो इसलिए दिक्कत आ रही है, तो ये बेसिकली प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चल के लास्ट से चल के, लास्ट वाला एलिमेंट रह जा रहा है तो लास्ट से ही डायरेक्टली हम चल के इसे यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। तो इसको भी हम आई से 9999 से लेके चल के, और यहाँ से अब हमें मिल चुका है ग्रेटर देन का साइन। इक्वल टू नहीं लगाएंगे यहाँ पे, हम ज़ीरो लगाएंगे, है ना, ज़ीरो तक हमें पहुँचना है, और यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस माइनस, ठीक है। और इसे सेव कर देते हैं, अब देखते हैं सही हमने लिखा है ना, बिल्कुल सही लिखा है। अब देखते हैं इसका रिमूव टाइम, तो नो डाउट रिमूव टाइम जो है हमारा एरे लिस्ट का ज़्यादा होगा और लिंक लिस्ट के केस में कम होगा, है ना। तो हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देखो आप, मुझे लग रहा है एक डिजिट ही ज़्यादा है यहाँ पे। देखिए 3 2 5 2 7 2 9, और ये पूरा 9 डिजिट है, ये हमारा 2 4 2 6 और 2 8, 8 डिजिट है। तो लिंक लिस्ट का यहाँ बेटर है। तो मतलब इस तरह से आप निकाल सकते हो कि किसी कलेक्शन के अंदर अगर हमें ये देखना है कि हमें कब लिंक लिस्ट की तरफ मूव करना चाहिए, कब हमें एरे लिस्ट की तरफ मूव करना चाहिए, तो इस तरह से हम देख सकते हैं भैया। इस सिनेरियो में हमें एरे लिस्ट हमारे लिए सही होगा, और इस सिनेरियो में, तो अगर हम केवल फेच ऑपरेशन कर रहे हैं तो फेच ऑपरेशन के केस में फास्टर कौन था, विच वन, एरे लिस्ट। और अगर हमें ऐड करना और रिमूव करना है तो कौन सा बेटर है, लिंक लिस्ट, ठीक है। तो लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, स्टैक, वेक्टर, इन सब की कहानी हो गई खत्म। बताइए।
चले आगे आगे बताया जाए, आगे आगे कलेक्शन की तरफ मूव कर जाएं। कलेक्शन में बहुत सारे टॉपिक हैं, अभी हमारे बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं हमें। चलिए, हाँ क्या कह रहे हो? जैसी अच्छा मेरी आज्ञा। हाँ, तो देखिए सेट सॉरी लिस्ट की जो इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस हैं, लिस्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम सेट की बात करेंगे। और सेट और लिस्ट में मेन जो डिफरेंस है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। क्या डिफरेंस बताया था, याद है? कुछ भी, थोड़ा बहुत। सर नो डुप्लीकेसी एंड नो ऑर्डर कहाँ पे नो डुप्लीकेसी? सेट में। सेट के अंदर नो डुप्लीकेसी नो ऑर्डर, और लिस्ट के अंदर क्या है? डुप्लीकेसी विथ इंसर्शन ऑर्डर। आप ऐसा बोल सकते हो कि जो सेट है, सेट ने क्या करा, कलेक्शन के अंदर आने वाले सारे फीचर्स को मतलब यूज किया उसने, मतलब सारे फीचर को अपने अंदर लाया। बस उसने ऐड मेथड के बिहेवियर को चेंज कर दिया। अब ऐड मेथड के बिहेवियर को उसने कुछ इस तरह से चेंज कर दिया कि डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ ही ना हो, है ना? अच्छा, सेट इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लासेस के नाम बताइए कौन कौन से हैं। सेट इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लासेस के नाम बताइए, याद है? हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ये सब हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे सेट इंटरफेस। डॉक ओपन करिए, SRC में जाइए, जावा के अंदर यूटिल, यूटिल के अंदर ही हमारे पास है ना सेट। इंडेक्स HTML ओपन करिए, ये देखिए। ये देखिए हमारे पास सेट इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा, PQRS। सेट इंटरफेस कंटेन्स नो डुप्लीकेट एलिमेंट, मोर नॉर्मली सेट कंटेन्स नो पेयर एलिमेंट्स इवन E2 वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या लिखा है। इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट एंड ट्री सेट ऑल्सो। बट ट्री सेट जो है ना, ये सॉर्टेड सेट को एक एक सेट इंटरफेस की चाइल्ड इंटरफेस है जिसका नाम है सॉर्टेड सेट, यहाँ देख सकते हो। ये उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास है। सॉर्टेड सेट नहीं पढ़ रहे हैं अभी, हम सेट पढ़ रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेट क्या है भाई, सेट इज द इंटरफेस। सेट एक ऐसा इंटरफेस है जिसने कलेक्शन इंटरफेस को इनहेरिट कर रखा है। इसने कलेक्शन इंटरफेस को इनहेरिट करके सारा चीज़ यूज करा, बट केवल एक ही काम एडिशनल कर दिया उसने, अपने ऐड मेथड के बिहेवियर को कुछ इस तरह से चेंज कर दिया कि वो डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड नहीं करते हैं और ना ही कोई ऑर्डर मेंटेन करते हैं। तो सेट पढ़ने के लिए आपको उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप ऑर्डरिंग सर एक चाहिए। क्वेश्चन है, हाँ जी, हाँ एक जी, थोड़ा डाउट है यहाँ पे हाँ हाँ कि ये इम्प्लीमेंटिंग क्लास जो होता है ना, मतलब ये सेट का इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस है, एब्स्ट्रैक्ट सेट, इनम सेट, ये हैश सेट, हाँ हाँ तो ये खुद भी तो एक एक क्लास है। तो मतलब कि ये सेट इंटरफेस है जिसके अंदर ये सारी मेथड, ये सारी क्लासेस है, राइट? तो ये सारी क्लासेस सेट को इम्प्लीमेंट किया है, इन मतलब सारी सेट का क्लासेस जो, ने सेट को इंप्लीमेंट कर रखा है, बिल्कुल। तो फिर ये सारी क्लासेस में सेट का जो प्रॉपर्टी है, सेट सेट में जो जो चीजें हैं वो आ जाएगी, राइट? यस, सेट के अंदर जो हाँ, फीचर तो है, फिर कैसे वो सर अलग हो रहा है, मतलब किससे किससे अलग हो रहा है? वो जो डिफरेंस आप बता रहे थे ना अभी। मैंने डिफरेंस ये बताया कि कलेक्शन इंटरफेस है, तो कलेक्शन इंटरफेस के अंदर कुछ मेथड हैं। भाई कलेक्शन इंटरफेस है जो रूट इंटरफेस है, जिसके अंदर कुछ मेथड्स हैं, ये देख लीजिए। अब कलेक्शन को ही इनहेरिट करके बना है सेट, कलेक्शन को इनहेरिट करके बना है लिस्ट, और कलेक्शन को इनहेरिट करके बना है DQ। अच्छा,
अच्छा, कलेक्शन को इनहेरिट करके जो लिस्ट बना है, इसने कलेक्शन के सारे फीचर को यूज करा, ठीक है ना, लेकिन सेट ने नहीं करा। मैंने यही बताया, मैंने आपको बताया कि ये कलेक्शन को इनहेरिट करती है, लेकिन कलेक्शन के ऐड मेथड को कुछ इस तरह से चेंज इसने कर दिया कि वो डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं करती है। अच्छा, हाँ सर। समझ आ रहा है? ये मैंने बताया, ठीक। बाकी इंटरफेस को तो यूज कर नहीं सकते, इंटरफेस में तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना के रख दिए जाते हैं, उसकी जो इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस होती है ना, उन्हीं उन्हीं को ही हमें पढ़ना है, क्योंकि उन्होंने ही इसका डेफिनेशन दे रखा है, तो हैश सेट उसमें से एक है। तो जो हैश सेट है, हैश सेट क्लास, इस क्लास के बारे में क्या पॉइंट आप बोलोगे कि ये क्या क्या करता है? पहला भाई, हैश सेट जो है कहीं ना कहीं एक कॉन्क्रीट क्लास है। आप ऐसे बोलेंगे कि हैश सेट इज़ अ कॉन्क्रीट क्लास विच प्रोवाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेट इंटरफेस, राइट? हैश सेट इज़ अ कॉन्क्रीट क्लास विच प्रोवाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेट इंटरफेस, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएटिंग अ नॉट एरे लिस्ट, एरे लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, तब खत्म। यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आ गया, एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएटिंग अ हैश टेबल इन अ मेमोरी। समझ आ रहा है? फिर से मैं बता रहा हूँ, हैश सेट एक ऐसी क्लास है जिस क्लास का एक ऑब्जेक्ट मेमोरी में एक हैश टेबल क्रिएट करता है। हैश सेट क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो मेमोरी के अंदर एक हैश टेबल क्रिएट करता है, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस क्लास इंप्लीमेंट द सेट इंटरफेस बैकेंड बाई हैश टेबल, एक्चुअली ये हैश मैप इंस्टेंस है ना। मतलब ये 1 करोड़ रुपए की चीज़ है। ये जो आप पढ़ने जा रहे हो, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, और ये जान लो कि हर इंटरव्यू में, अगर 2-3 साल के मतलब आप एक्सपीरियंस पे जा रहे हो, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि जरा मुझे ना हैश सेट की इंटरनल फंक्शनलिटी बता दो, कैसे काम करती है, ये जरूर पूछा जाएगा आपसे। एरे लिस्ट आसान है, लिंक लिस्ट आसान है उसको पढ़ना, क्योंकि उसके अंदर इंटरनल कुछ बहुत ज़्यादा 3-5 नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा इंटरनल कहानी, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा समझने वाला है। तो हैश सेट एक क्लास है जिस क्लास का एक ऑब्जेक्ट मेमोरी में हैश टेबल बनाता है इंटरनली, और हैश टेबल बेसिकली कुछ और नहीं है, वो हैश मैप का इंस्टेंस है। तो कहीं ना कहीं हैश सेट हैश मैप को यूज करता है, ये अपने दिमाग में आप बना लीजिएगा। ये शुरू के 2-3 साल जब मैं भी जावा पढ़ता था, पढ़ाता था, मुझे भी नहीं पता था कि ये हैश सेट हैश मैप को भी यूज कर सकता है क्या, है ना। बहुत देखने उखने पे ऐसे डॉक वॉक जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ ये यूज करता है, यानी कि हैश सेट हैश मैप को यूज करता है, ठीक है। कैसे करता है इंटरनल पूरी फंक्शनलिटी है जानेंगे, बट हाँ मेमोरी के अंदर हैश टेबल बनाता। आप ऐसे समझ लो कि हैश सेट इंटरनली हैशिंग टेक्निक का यूज करके एलिमेंट को स्टोर करता है, हैशिंग टेक्निक। अब हैशिंग टेक्निक क्या होती है ये भी हम जानेंगे, हैशिंग टेक्निक में क्या क्या चीज़ें होती हैं। हैशिंग टेक्निक में एक हैश टेबल बनता है, हैश टेबल के अंदर हमारे पास बकेट होते हैं, बकेट के इंडेक्स होते हैं, जहाँ जिस इंडेक्स पे हमारे एलिमेंट स्टोर होते हैं, पूरी उसकी कहानी होती है। लेकिन एक सिमिलरिटीज है लिस्ट और सेट में कि भैया दोनों ही नॉन सिंक्रोनाइज्ड हैं। ये भी सिंक्रोनाइज्ड मतलब कहीं ना कहीं मतलब इंटरफेसेस की बात है ना। वैसे देखा जाए तो इंटरफेस के अंदर की जो इम्प्लीमेंटिंग क्लास है वो अपने आप को सिंक्रोनाइज बना सकती हैं, वो कर सकती हैं जो भी है। अच्छा, इट मेक्स नो गारंटीज टू द इटरेशन ऑफ द सेट एंड द पर्टिकुलर डोंट आर्गूमेंट रिमेन एलिमेंट पर्टिकुलर नल, ठीक है चलो, ये सब तो इसकी कहानी है। और क्या क्या फीचर हैं इसके और भी जानते हैं हम। तो पहला फीचर तो हमें ये पता चल गया, दूसरे है सेट जो होता है, ये जो होता है ये कहीं ना कहीं यूनिक एलिमेंट कंटेन करके रखता है। ये जो है सेट, इसके अंदर एक नल एलिमेंट है ना परमिटेड है, नल अलाउज है, नल वैल्यूज अलाउड है इसके अंदर, ठीक है। ये एक नॉन सिंक्रोनाइज्ड है सेट नॉन सिंक्रोनाइज कलेक्शन की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है, कोई इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं होता, ठीक। और यहाँ पे हैशिंग टेक्निक का यूज करके एलिमेंट को स्टोर कराया जाता है। कहीं ना कहीं इसका जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो एलिमेंट को स्टोर करता है
वो मेमोरी के अंदर जो हैश टेबल के अंदर बकेट्स होते हैं उसमें 16 बकेट होता है, 16 बकेट ये क्रिएट करता है मेमोरी के अंदर, ठीक है ना। और बाय डिफॉल्ट 0.75 का लोड फैक्टर अपने पास कंटेन करके रखता है। तो आपने कहा सर ये बकेट क्या होता है, लोड फैक्टर क्या होता है, तो ये सब हम जानते हैं एक एक करके। बट कहानी क्या है, कहानी यह है कि कलेक्शन रूट इंटरफेस है, कलेक्शन से भी ऊपर हमारे पास है इटरेबल, इटरेबल से आई कुछ इस तरह से कहानी है, वो तो आपको पता ही है वैसे, मुझे बताने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। इटरेबल से कलेक्शन और कलेक्शन से बना सेट और सेट से बना है हैश सेट, राइट। तो ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हैश सेट क्लास के पास कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कौन कौन से हैं ये देख सकते हैं आप, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। और आप देख सकते हैं जो मैंने बोला था, कंस्ट्रक्ट अ न्यू एम्प्टी एम्प्टी सेट, द बैकग्राउंड हैश मैप इंस्टेंस एंड बाय डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी इज 16 हैविंग लोड फैक्टर 0.75। क्या कहानी है इसकी, कहानी समझाता हूँ मैं आपको, पूरी कहानी समझाता हूँ, ठीक है। कहानी समझिए, देखिए देखिए होता क्या है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये है आपका एक हैश टेबल, इसको हैश टेबल बोलिए। एक्चुअली कहानी कुछ ऐसे होती है, जब आप प्रोग्राम में कहीं पे भी लिखते हो हैश सेट। अच्छा एक चीज़ मैंने आपको नहीं करा, बताना चाहिए मुझे हमेशा आपको, वो चीज़ मैंने आपके लिए करा नहीं। जैसे मैं लिखता हूँ एरे लिस्ट, है ना, एरे लिस्ट AL इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, है ना। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, ये मतलब टाइटली कपल्ड एप्लीकेशन माना जाता है। आप ऐसे करिए, ऑब्जेक्ट बनाइए एरे लिस्ट का, रेफरेंस रखिए लिस्ट का, ये लूज कपलिंग को डिनोट करता है, लूजली कपल्ड एप्लीकेशन को बताता है। फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा होगा कि अगर कभी भी प्रोजेक्ट के अंदर कहीं चेंजेस करने की बात आएगी, आज आप एरे लिस्ट पे काम कर रहे हो और AL के ऊपर आपने 1000 ऑपरेशन कर रखे हैं, और कल को ज़रूरत पड़ेगी लिंक लिस्ट की, कल को ज़रूरत पड़ेगी किसी और चीज़ की, तो बस आपको यहाँ पे राइट हैंड में चेंज मारना है, ना कि लेफ्ट हैंड में। यहीं पे आप क्या कर लो, लिख दो लिंक्ड लिस्ट। समझते हो ना आप लोग ये बात, समझ रहे हो ना ये बात, मतलब इंटरफेस का रेफरेंस बनाना चाहिए हमें, और ऑब्जेक्ट्स हमें उनकी इंप्लीमेंटिंग क्लासेस के बनानी चाहिए हमेशा, मतलब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ताकि अचीव हो, रेफरेंस ऑफ द इंटरफेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ उसकी सर इंप्लीमेंटिंग। इसको एक बार बताना आप ठीक से समझे। इसको बताएं, बिल्कुल हाँ बताते, बताएंगे। हाँ बिल्कुल बताते हैं। अब जैसे यहीं पे देख लीजिए, अब जैसे देख लीजिए यहाँ पे मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए, मुझे इसी चीज़ को प्रैक्टिस करनी थी 2 ऑब्जेक्ट्स बना के, तो मैं क्या कर सकता था, मैं यहाँ पे एरे लिस्ट न लेके यहाँ पे लिस्ट ले लेता, ठीक है, लिस्ट इंटरफेस टाइप का ले लेता यहाँ पे ऐसे, ठीक। अब और इसको मैं यहाँ पे कर देता कमेंट, कमेंट आउट कर देता, जहाँ जहाँ ये बना हुआ है इसको मैं हटा देता, भाई मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, सारे भयंकर प्रोग्राम की हमें ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने एरे लिस्ट पे इसकी प्रैक्टिस कर ली, कल को मुझे इसी चीज़ की प्रैक्टिस लिंक लिस्ट पे करनी है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने लिंक लिस्ट, तो भैया अब यही प्रोग्राम लिंक लिस्ट पे बन गया, चला लो आउटपुट आ जाएगा। कल को यही प्रोग्राम अगर मुझे वेक्टर पे चाहिए, वेक्टर लिख दो हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट बनाओ इम्प्लीमेंटिंग क्लास का और रेफरेंस रखो इंटरफेस का, ये कायदा है। अगर मुझे कभी चेंज करना होगा तो राइट साइड में चेंज करेंगे, लेफ्ट साइड में नहीं, ये चीज़ है। अभी नहीं समझ में आई, सर वेक्टर का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ हाँ और मैं रेफर कर रहा हूँ लिस्ट को जो कि इंटरफेस। हाँ भाई देखो ना, आप ऐसे समझो ये है हैश सेट और ऊपर हमारे पास कितने इंटरफेसेस हैं, 3। तो अगर मैं हैश सेट का ऑब्जेक्ट बना के हैश सेट के ही रेफरेंस में रख रहा हूँ,
तो ये तो मना नहीं करेगा, रख लेगा, ठीक है, अच्छी बात है, रख लिया इसने। लेकिन लेकिन कभी भी अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ गई प्रोजेक्ट में कहीं चेंजेस करने की, तो और चेंजेस करने में हैश सेट की जगह पे चाहिए हमें लिंक लिस्ट, तो मुझे दोनों साइड चेंज मारना पड़ेगा ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेट लेके चलूँ, तो यहाँ पे अभी हैश सेट चल रहा है और कल को लिंक्ड हैश सेट चलेगा, बस यहाँ पे लिंक्ड वर्ड जोड़ दूंगा, काम हो जाएगा हमारा। मतलब रेफरेंस हमेशा इंटरफेस टाइप का रखना चाहिए। और ये चीज़ तो जब आप मतलब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या बाइंडिंग वाइंडिंग का कंसेप्ट जब पढ़ रहे थे, उस टाइम पे पढ़ाया जाता है आपको कि हमेशा इंटरफेस के रेफरेंस रखो और ऑब्जेक्ट उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का रखो। तो इससे फ़ायदा होगा कि प्रोजेक्ट हमारा लूजली कपल्ड होगा, टाइट कपलिंग होगी, सॉरी लूजली कपलिंग होगी, डिपेंडेंसी नहीं होगा, टाइट कपलिंग नहीं होगी। कभी भी आपको मतलब कहीं पे भी चेंज करना होगा तो इम्प्लीमेंटिंग क्लास में चेंज हो जाएगा, ना कि इंटरफेस के रेफरेंस में, रेफरेंस वही रहेगा। इससे एक कहीं ना कहीं रन टाइम पे पॉलीमॉर्फिज्म भी अचीव होगा। जब एस पे कोई भी मेथड कॉल करोगे आप, जैसे आपने लिखा एस डॉट ऐड, तो ये ऐड एक्चुअली किसका कॉल होगा पता है? एक्चुअली कॉल होगा इंटरफेस का, यानी कि सेट इंटरफेस का। लेकिन फिर वो देखा जाएगा कि इस एस में ऑब्जेक्ट किसका आया है, लिंक्ड हैश सेट का या सेट का, तो जिसका भी आया है उसका एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरह से वर्क करता है ये, समझ में आ रहा है? इंटरफेसेस की जो रेफरेंसेस होते हैं ना, हाँ सर, समझ गया। ये कहानी होती है। तो यही मैं आपसे कह रहा था, मैं ये चीज़ मतलब कई जगह भूल रहा था, मैंने कई जगह नहीं दिया, तो मतलब मेरा ऐसा हैबिट नहीं है, बट वो हैबिट हमें बनाना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया सेट एस इज इक्वल्स टू न्यू हैश सेट राइट। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बना हैश सेट का बन गया और रेफरेंस हमने रख दिया सेट का, तो ये कहानी है। अच्छा, हैश सेट का जब एक ऑब्जेक्ट आप बनाते हो, तो इस हैश सेट के एक ऑब्जेक्ट के बनते ही मेमोरी के अंदर एक हैश टेबल क्रिएट हो जाता है, ये एक हैश टेबल क्रिएट हो जाता है, ये हैश टेबल। और हैश टेबल इज व्हाट, व्हाट इज हैश टेबल? हैश टेबल इज एरे ऑफ लिंक लिस्ट, हैश टेबल इज एरे ऑफ लिंक लिस्ट, एंड ईच लिस्ट इज कॉल्ड अ बकेट। हैश टेबल इज कॉल्ड एरे ऑफ लिंक लिस्ट, ईच लिस्ट इज कॉल्ड अ बकेट। यानी कि ये हो गया एक पूरा एरे लिस्ट, ये एक पूरी एरे लिस्ट हो गई, और ये इतना यानी कि इसको हम बोलेंगे एक बकेट, BUCKET, बकेट, बकेट ज़ीरो। इस तरह से लेके ये लास्ट में कितना जाता है, बकेट 15, 16 साइज का होता है ना, 0 से लेके 15, 16। और वही रीजन था जब हम वहाँ पे एलिमेंट ऐड वहाँ पे रोटेट करा रहे थे, तो हम 0 से लेके चल रहे थे, तो वहाँ तक एलिमेंट कैसे जाएगा, वो भी दिक्कत आ रही थी हमें, तो एक कम हमें जाना था वहाँ बेसिकली। ये याद रहना चाहिए आपको, ठीक है? तो हैस, वंस वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ हैस सेट, इंटरनली हैस सेट क्रिएटिंग अ हैस टेबल इन अ मेमोरी। हैस टेबल इज नथिंग बट अ हैस मैप इंस्टेंस, ये हैश मैप का एक इंस्टेंस होता है, और हैश मैप एक क्लास होती है बेसिकली, उसका एक इंस्टेंस होता है। और हैश टेबल को क्या बोलोगे, हैश टेबल इज द एरे ऑफ लिंक लिस्ट वेर ईच लिस्ट इज कॉल्ड बकेट। तो बाई डिफॉल्ट इज क्रिएटिंग अ 16 बकेट इन टू द मेमोरी, बाई डिफॉल्ट क्रिएटिंग द 16 बकेट, 16 साइज ऑफ बकेट इन टू द मेमोरी, 0 से 15। ईच बकेट में एक एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं, स्टोर होते हैं, ऐड होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप एक एक काम करिए, यहाँ आइए, ये हैश सेट है ना, देखिए लिख रहा है ये। अच्छा, इससे भी नहीं आपको पता चल रहा है, और आ जाइए, आपको एकदम पूरा अंदर गहराई में लेके चलते हैं। हैश सेट नोट पैड में ओपन करिए, आ जाइए, ये देखिए आप, हैश सेट का डिफ़ॉल्ट कंसेप्टर। आप ये डिफ़ॉल्ट कंसेप्टर ही तो चलाते हो। मान लो कि मैं एक हैश सेट का प्रोग्राम बनाना यहाँ से स्टार्ट करता हूँ,
यहाँ गया, राइट क्लिक किया, न्यू किया, क्लास में गया, हैश सेट डेमो, क्लिक किया, क्लास बन के रेडी। नाउ अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट एच इज इक्वल्स टू न्यू हैश सेट ना कि हैश सेट डेमो, तो मेमोरी के अंदर 16 साइज का एक मतलब इस पर्टिकुलर हैश एच होगा ना। यहाँ पे हैश सेट का ऑब्जेक्ट बनते ही पता है क्या हो गया, मेमोरी के अंदर एक हैश सेट का हैश मैप का इंस्टेंस क्रिएट हो गया। ये देखिए आप, ये यहाँ पे ये देखिए, ये बता रहा है हैश मैप क्रिएट हो गया। तो आप हैश मैप जानते नहीं हो, अभी पढ़ा नहीं है आपने, जब मैप इंटरफेस पढ़ोगे तब मैं आपको बताऊँगा। वैसे अगर आप अभी जानना चाहते हो थोड़ा सा जान लो कि हैश मैप मैप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली एक क्लास है। अगर आपको डायग्राम भूल गया है तो डायग्राम मैं संभाल कर रखा हूँ आपके लिए, आपके खिदमत में हाजिर है। ये देखिए, ये है पूरी कहानी, है ना, मेरी जुबानी, ठीक है। ये देखिए पूरी कलेक्शन का मैंने जो बनाया था डायग्राम, मैप इंटरफेस की इम्प्लीमेंटिंग क्लास है हैश मैप। अभी हम सेट की इम्प्लीमेंटिंग क्लास हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, और हमने ये पूरा खानदान ख़त्म कर लिया इसका, लिस्ट का पूरा खानदान, ठीक है। इधर हमने इटरेटर लिस्ट इटरेटर इनोमरेशन ख़त्म कर लिया, अभी कंपेरेबल कंपेरेटर बचा हुआ है, क्यू बचा हुआ है, शॉर्टेड क्यू बचा हुआ है, और मैप बचा हुआ है ना, ठीक है। तो ठीक, तो वो हैश मैप पे क्या होता है कि की वैल्यू पेयर में डेटा जाता है, की वैल्यू पेयर। तो आपने कहा सर तो यहाँ पे हमने तो कुछ की, हम तो हैश मैप का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और हैश मैप पे अगर मुझे सॉरी हैश सेट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और हैश सेट पे अगर हमें ऐड करना है तो बस यहाँ पे ऐड लिख देंगे 12, ठीक है, 1 2 3 12 4 जो भी लिखना है लिख दीजिए आप, ठीक है। डुप्लीकेट एलिमेंट दोगे तो नहीं लेगा, डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं करेगा ये, है ना, आप डुप्लीकेट एलिमेंट जितना भी दे दो डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं लेगा। एस वाई एस ओ और एच को प्रिंट कर लिया, देख सकते हैं आप वन। अच्छा एक भी एक चीज़ और देखो, यहाँ इंसर्शन ऑर्डर में मेंटेन नहीं हुआ, यहाँ पे तो वन आ गया देन 67 देन 12, और वहाँ ऊपर देख सकते हो 12 पहले ऐड कर दिया हमने, तो नो ऑर्डरिंग, नो ऑर्डरिंग, नो डुप्लीकेसी। तो आपने तो बस एक वैल्यू दिया है, की वैल्यू तो दिया नहीं है, लेकिन हैश मैप में इंटरनली की वैल्यू जाती है। तो पता है क्या करता है ये, इंटरनली हैश मैप में जब आप हैश सेट का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो हैश मैप अपने आप बन जाता है इंटरनली, है ना, तो ये बन चुका होगा। और हैश मैप का एक ऑब्जेक्ट बनते ही पता है क्या होता है, एक ये देखो यहाँ पे लिखा है ना मैप, अब आप ऐड मेथड में आओ, क्योंकि ऐड मेथड चल रहा है, अब ऐड मेथड में आओ, ऐड मेथड ये देखो ये चेक करता है इंटरनली। ऐड मेथड में हम यहाँ वैल्यू डालते हैं अपनी, यानी कि जो मेरी वैल्यू यहाँ से गई यानी कि ये 12 रिसीव हुआ इस ई में, है ना, ई में रिसीव हुआ। ये चेक करता है, क्या चेक करता है कि भाई अच्छा जो मैप का ऑब्जेक्ट चूंकि वो कंस्ट्रक्टर में बन चुका है इंटरनली, तो उसी मैप के ऑब्जेक्ट पे पुट मेथड चलाता है। अब पुट में आप देख सकते हो ये की वैल्यू पेयर में डेटा जाता है, और वो चेक करता है कि क्या की वैल्यू जो पेयर में ये डेटा गया है इक्वल टू नल है, अगर नल है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं तो फॉल्स, इसलिए ऐड मेथड रिटर्न बुलियन करता है। अगर सक्सेसफुली ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो ये ई मतलब हमारा डेटा, अब प्रेजेंट मतलब व्हाट, प्रेजेंट मतलब कोई एक मतलब कह सकते हो कि प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट, प्रॉक्सी मत बोलो, कोई नल ऑब्जेक्ट बोलो, यानी कि हमारी वैल्यू की में जाके स्टोर हो जाती है और वैल्यू में एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट जाके स्टोर हो जाता है। तो अगर आपसे कभी भी इंटरव्यू में पूछा गया कि भैया मुझे हैश सेट की इंटरनल फंक्शनलिटी बताओ, तो आप ऐसे ही बताएंगे भाई सर देखिए यहाँ पे कहानी कुछ ऐसे होती है कि हैश सेट का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो एक हैश सेट के ऑब्जेक्ट के बनते ही मेमोरी में हैश टेबल बनता है, और ये हैश टेबल कुछ और नहीं है, ये पूरी हैशिंग टेक्निक ही है जो आप पढ़ रहे हो अभी, समझ रहे हो, है ना, ये हैशिंग टेक्निक है। तो हैश टेबल इज़ नथिंग बट अ मैप इंस्टेंस,
क्योंकि हैश मैप इंस्टेंस, तो कि हैश मैप कहीं ना कहीं अगर बन गया तो वो हैश टेबल आप बोल सकते हो, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं हैश टेबल एक अलग क्लास भी होती है, ठीक है? वो एक अलग क्लास है जो हैश मैप से ही कहीं ना कहीं कह सकते हो हैश मैप के अंदर उसका फीचर आता है जो की वैल्यू पर। अब बात कुछ ऐसी है, हैश टेबल एक क्लास है और हैश टेबल क्लास एक लिगेसी क्लास है। जब कलेक्शन आया ही नहीं था तो उस टाइम से पहले ही वो यूज़ हुआ करता था और की वैल्यू पेयर में डेटा लेता था वो, ठीक है? तो वो हैश टेबल एक क्लास है, वो अलग चीज़ है, बट ये हैश टेबल एक काइंड ऑफ टेबल है मेमोरी में जो बन रही है, और ये हैश टेबल जो मेमोरी में बन रही है ये एक हैश मैप का इंस्टेंस है जिसे हैश टेबल बनी हुई थी। तो हैश सेट का ऑब्जेक्ट बनते ही हैश मैप बन जाता है, ऐसे आप बोलोगे। इसको मैं यहाँ पे हैंग कर रहा था ना, तो इस पर्टिकुलर हैश सेट के कंसेंटर में आप बोलेंगे ऐसे, सर हैश मैप एच इज इक्वल्स टू न्यू हैश मैप बन जाता है। हैश मैप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा अभी की वैल्यू पेयर में डेटा लेता है ये, ठीक है? ये बन जाता है, यानी कि इसके हर कंसेप्टर में ये कोड लिखा गया है कि जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये ऑब्जेक्ट इंटरनली अपने आप बन जाएगा। और इस एस के ऊपर जब ऐड मेथड आप चलाओगे, जैसे आपने लिखा एस डॉट ऐड, तो ऐड मेथड जैसे आपने डाला यहाँ पे वैल्यू दिया 6 4 2 3 कुछ भी दिया, तो इंटरनली जो ऐड मेथड है मतलब जो बनाया गया इंटरनली, वो ऐड मेथड कुछ ऐसे है वाइड ऐड ऑब्जेक्ट ओ, एंड यहाँ से है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, राइट? वाइड नहीं है, बेसिकली बुलियन है, बुलियन है। यहाँ पे वो क्या करता है, रिटर्न कर देता है, रिटर्न करता है जो हैश मैप का ऑब्जेक्ट बना है, यानी कि ये एच एच डॉट पुट हैश मैप का पुट मेथड होता है ये। इस पुट मेथड में ओ को ऐड कर देता है, ये जो ओ आएगा, यानी कि जो 34 हमने डाला यहाँ पे, जो हमने 34 ऐड किया हुआ है ना, ये 34 ऐड इस ओ में गया, ओ से इस पुट मेथड के पास गया, है ना? यहाँ पे गया इस पुट मेथड के पास, और चूंकि पुट मेथड में की वैल्यू पेयर में डेटा जाता है तो की में तो चला गया आपका ओ, वैल्यू में क्या जाता है, कॉमा करके वैल्यू के अंदर आपका जाता है यहाँ बेसिकली। ये अब इस पर टेक्स्ट पे क्लिक नहीं हो पा रहा है, मैं चाह रहा हूँ यहीं पे ऐड कर दूँ, ठीक है? एक काम करूँगा, ये इरेजर उठाऊँगा, इसको मिटा दूँगा यहाँ से, यहाँ पे पूरा ही मैं रिटर्न एक साथ लिख देता हूँ, ठीक है? तो ये इस पर्टिकुलर जगह पे रिटर्न एम डॉट पुट, और पुट मेथड में जाता है ओ कॉमा कोई एक वैल्यू, है ना? वैल्यू मतलब कुछ भी एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट पी आर मान लेता हूँ, और वो चेक करता है क्या इक्वल इक्वल टू नल है, ये चेक करता है और यही रिटर्न करता है बेसिकली वो, ठीक है? अगर वो इक्वल टू इक्वल नल होता है तो ये पुट मेथड कुछ रिटर्न करता है, ठीक है? वट एवर, तो आपने कहा पी आर क्या है, ये पी आर मतलब प्रेजेंट जो यहाँ पे दिख रहा था ना प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट है क्या, आप कॉपी और एफ कर लो, प्रेजेंट आपको मिल जाएगा, ये देखिए प्रेजेंट है क्या, प्रेजेंट ऊपर कहीं बना होगा, ये देखिए एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है और कुछ नहीं है, ये ऑब्जेक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, फाइनल ऑब्जेक्ट है, नथिंग, एक डमी वैल्यू, डमी वैल्यू इस डमी वैल्यू में जाके स्टोर होता है, ये एक ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट, इसको आप पी आर बोलो यहाँ पे, राइट? तो बहुत सारी कहानी है इंटरनली, इसी को मैं पी आर बोल रहा हूँ, ये पी आर है हमारा, तो ये पी आर और प्लस ये वैल्यू जाके ऐड होता रहता है, ये कहानी होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी?
अब कहानी कुछ ऐसे है। पहला चीज हैश मैप का दो फीचर, हैश मैप में डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं है, ऑर्डरिंग मेंटेन नहीं है। क्वेश्चन है क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, क्या कहानी हो रही है भाई। तो अब इसके इंटरनल कहानी को समझते हैं, और कि पहला ये समझते हैं कि भैया यहाँ ऑर्डरिंग क्यों मेंटेन होती है, और दूसरा ये समझते हैं कि भाई यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट क्यों अलाउ नहीं होता है। ठीक है, तो समझिए जरा। जब ऐड मेथड आप कॉल करते हो, ऐड मेथड की कॉल करते ही 34 जैसे मैंने यहाँ ऐड किया, तो मेमोरी में एक हैश टेबल बना। हैश टेबल इज़ नथिंग बट एरिया ऑफ लिंक लिस्ट, जो कि हैश मैप का एक इंस्टेंस है। ईच लिस्ट इज़ कॉल्ड अ बकेट, बाई डिफॉल्ट 16 साइज का 16 बकेट का एक मतलब टेबल बनेगा, हैश टेबल बनेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि इस हैश टेबल में किस इंडेक्स पे ये ऐड जाए, ये कैसे पता चलेगा। ये हमारा है हैश टेबल, तो ये हैश टेबल जो हमारा बना है इसमें ये 34 किस इंडेक्स पे जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 किस इंडेक्स पे जाए, ये कैसे पता चलेगा। तो इसकी कहानी कुछ ऐसे होती है कि जब ऐड मेथड इंटरनली स्टोर होने जाता है, तो जो भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर ऐड होने जा रहा है, यानी कि 34 एक ऑब्जेक्ट ही तो है, तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बकेट इंडेक्स को फाइंड आउट करना होता है कि किस इंडेक्स पे ये जाएगा, है ना। तो आप ऐसे बोलिए कि वेन एवर वी आर एडिंग द एनी एलिमेंट इन अ हैश सेट, सो ड्यूरिंग एडिंग द एलिमेंट इन अ हैश सेट, एड मेथड इंटरनली फाइंड आउट द बकेट इंडेक्स वेयर इट नीड टू स्टोर द एलिमेंट। सो हाउ द एड मेथड फाइंड आउट द बकेट इंडेक्स, उसे कैसे पता चलता है कि मुझे किस इंडेक्स पे एलिमेंट्स को लेके जाना है। तो समझिएगा, जो हमारा ये जो नंबर या ऑब्जेक्ट ऐड होने जा रहा है हैश टेबल के अंदर, इस हैश टेबल में एक ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए इंडेक्स निकालने का एक कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट ऐड होने जाएगा तो वो तो एक ऑब्जेक्ट है, और जावा में किसी भी क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो उसका एक हैश कोड जनरेट होता है। आपको पता होना चाहिए हैश कोड जनरेट होता है। वेन एवर वी आर क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट इन जावा, सो इंटरनली क्रिएटिंग अ हैश कोड इन टू द मेमोरी। और ये हैश कोड जो होती है ना, हैश कोड, या आप ऐसे बोल दो हैशिंग फंक्शन यूज करना होगा हमें, है ना। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके लिए हैशिंग टेक्निक चलती है, और इसके लिए हैशिंग फंक्शन होता है हमारे पास, और हैशिंग फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट क्लास का हैश कोड नाम का एक मेथड होता है। तो ऑब्जेक्ट एक क्लास होती है, और ऑब्जेक्ट क्लास के पास हैश कोड नाम का एक मेथड होता है। आपको पता है ना जावा के अंदर ऑब्जेक्ट क्लास होती है जिसके अंदर हैश कोड मेथड अवेलेबल है, ये पहले भी बता चुका हूँ। CMD करके आप जावा पी करके जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट करके यहाँ पे आप देख सकते हो, हैश कोड मेथड आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट OVJECT हैश कोड मेथड, ये देखिए, जो कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करके देता है आपको। तो ऐड मेथड इंटरनली किसी एलिमेंट्स को जब ऐड करने जाता है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को ऐड करने जाता है, यानी कि 34, तो 34 एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का एक हैश कोड नंबर रिटर्न करके वो पहले लेके आता है, और वो हमें रिटर्न करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट बनेगा। और ऑब्जेक्ट जब भी बनेगा, मैंने आपसे बताया ना ऑटो बॉक्सिंग होती है, इंटीजर है तो इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो कहीं ना कहीं हैशिंग टेक्निक के थ्रू हैश कोड चलेगा, इंटरनली हैश कोड फंक्शन चलेगा जो कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करके लाएगा, और उस इंटीजर वैल्यू से टोटल नंबर ऑफ बकेट से डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है ना। और जो रिमाइंडर आता है वही इंडेक्स होती है हमारे किसकी, बकेट की। तो ऑब्जेक्ट्स का हैश कोड वैल्यू और टोटल नंबर ऑफ बकेट की साइज से रिमाइंडर निकाला जाता है, जो रिमाइंडर होती है। सपोज करो हैश कोड आया हमारा कितना 100, और बकेट की साइज कितनी है 16, तो 100/16 तो रिमाइंडर आ गया 4, है ना। तो फोर्थ इंडेक्स हो गया जहां पे एलिमेंट स्टोर होने जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, बहुत बहुत तामझाम है ना।
बहुत तामझाम है यहाँ पे पता ही नहीं है ना। मैंने तो एक एग्जांपल लिया कि हैश कोड बनेगा, हैशिंग टेक्निक यूज होगा, हैश कोड एक ऑब्जेक्ट का हैश फंक्शन जो निकालेगा, हैश वैल्यू निकालेगा, इंटीजर वैल्यू जो निकालेगा, वो हमें क्या पता, 100 है, 200 है, 300, 400, तो पता नहीं क्या होगा, वो रन टाइम पर डिसाइड होगा। तो चूंकि हैश कोड का नंबर रन टाइम पर डिसाइड होता है, तो इसीलिए इंडेक्स पहले से पता नहीं होता है। बताइए जी, क्लियर है या नहीं है? बोल ही नहीं रहे हो आप लोग, सो गए लग रहा है। क्लियर सर जी, एकदम क्लियर। एकदम क्लियर है तो ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई हैश सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट, सॉरी ऑर्डरिंग क्यों नहीं मेंटेन होती है, तो क्या बताओगे? क्योंकि जब ऐड मेथड चलाते हैं ना सर, तो ऐड मेथड में जो भी ऑब्जेक्ट ऐड होने जाता है, उस ऑब्जेक्ट का एक हैश वैल्यू निकाली जाती है, और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हैश वैल्यू का टोटल नंबर ऑफ बकेट से मॉड्यूलर करा जाता है, तो जो रिमाइंडर होती है वो इंडेक्स होती है जहाँ पे एलिमेंट ऐड होने जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए सर हमें न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट का इंडेक्स तो पता नहीं है, न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट का इंडेक्स तो हमें पता नहीं है, तो चूंकि हमें सॉरी ना उसका इंटीजर नंबर हमें पता है, तो इसलिए वो किस इंडेक्स पे जाएगा, क्या इंटीजर नंबर आएगा, वो हमें पता नहीं चल पाता, इसलिए ये चीज़ हमें नहीं पता है भाई कि किस इंडेक्स पे हो जाएगा। क्लियर है? आगे की कहानी सुनिए। सर एक क्वेश्चन है हाँ जी, कि अगर मॉड्यूलर वैल्यू कोई नहीं आएगा तो ये तो जरूरी नहीं है कि हर टाइम मॉड्यूलर वैल्यू कोई आए। कैसा मतलब न्यूमेरिक ऐसा है ये कह रहे हो आप? मतलब उनके अंदर कुछ है ऐसा एल्गोरिदम्स कि भैया वो कुछ न्यूमेरिक वैल्यू लाएंगे, वो राउंड ऑफ वगैरह कर देंगे और इन्हीं के बीच में ही लेके आएंगे वो। अच्छा, उसी हाँ इंडेक्स में जाके वैल्यू सेव होगा हाँ ऑब्जेक्ट उस का। हाँ बिल्कुल। और दूसरा चीज़ एक और, ऐड मेथड में डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं होता है, मतलब सेट में नहीं होता है, यानी ऐड जब करोगे तो डुप्लीकेट नहीं लेगा, तो यानी कि वो डुप्लीकेट क्यों नहीं लेगा, उसके पीछे क्या रीज़न है? तो दो कहानी थी ना, ऐड के अंदर नो डुप्लीकेसी नो ऑर्डर, तो नो ऑर्डर की कहानी मैंने बताई। नो डुप्लीकेसी के केस में ऐड मेथड इंटरनली कंटेन्स मेथड को कॉल करता है, कंटेन्स मेथड इंटरनली इक्वल्स मेथड को कॉल करता है, और इक्वल्स मेथड ये चेक करता है कि ये 34 क्या पूरे बकेट में कहीं पड़ा हुआ है क्या, क्या ये 34 इक्वल्स है इसके, है ना, इक्वल्स की वाइज कंटेंट वाइज कंपैरिजन करता है, और वो कंटेंट सर ये वाइज प्रोग्राम पे दिखा सकते देख सकते हैं क्या हम लोग, कहाँ ये इक्वल्स को कॉल कर रहा है? ये इंटरनल फंक्शनलिटी है ना, तो ये इंटरनल। इसका हाँ हाँ मैं आपको एक प्रोग्राम के माध्यम से ये चीज़ प्रूफ करूँगा, ये चीज़ प्रूफ करूंगा आपको, ये प्रोग्राम के माध्यम से एक प्रोग्राम जरूर मैं बताऊंगा इसके लिए, बट इंटरनल फंक्शनलिटी बता रहा हूँ अभी, ये है ना। तो वो इक्वल्स मेथड क्या करता है, नहीं देखो आपको दिमाग लगाना है बस कि यार आखिर होता ही क्या होगा, ऐसे तो होता होगा भैया, अगर कोई चीज़ देखना है कि डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करना है तो क्या करेंगे हम, हैश टेबल में जाके इस एलिमेंट को चेक करा लेंगे कि पूरे हैश टेबल में है या नहीं, अगर नहीं है तो भैया ऐड कर दो, है ना, अगर नहीं है तो ऐड कर दो, अगर है तो ऐड ही मत करना, बात खत्म। तो यही करता है ऐड मेथड। ऐड मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? बुलियन। आप देखो बुलियन मेथड रिटर्न टाइप क्यों है, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं ये इंटरनली ऐड हुआ या नहीं हुआ इस चीज़ का इंफॉर्मेशन तो पहुँचेगा ना, तो वो इंटरनली कंटेंस को, कंटेंस इंटरनली इक्वल्स को, इक्वल्स मेथड इंटरनली कंटेंट वाइज कंपेरिजन करेगा, क्या ये 34 यहाँ है, क्या ये 34 यहाँ है, अगर नहीं है तो ऐड कर दो, अगर अगर है तो बुलियन मेथड ट्रू रिटर्न कर देता है, सॉरी इक्वल्स मेथड ट्रू रिटर्न कर देता है, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देता है। समझिएगा, ऐड ने कॉल करा कंटेंस को, कंटेंस ने कॉल करा इक्वल्स को, इक्वल ने कंटेंट वाइज कंपेरिजन किया, क्या 34 यहाँ है, यस है, सो बुलियन को मिल गया ट्रू, अगर बुलियन को मिल गया ट्रू तो वो एलिमेंट ऐड करने ही नहीं जाएगा, है ना, और हमारे ऐड मेथड रिटर्न कर देगा फॉल्स, सॉरी ट्रू रिटर्न कर देगा ना, एलिमेंट हमारा ऐड ही नहीं होने जाएगा क्योंकि वो तो अवेलेबल है, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करके हमें आगे चला जाएगा, भैया एलिमेंट मतलब ऐड कर देगा और क्या।
ये कहानी होती है। तो ये दोनों चीज़ें बड़ा इम्पॉर्टेंट हैं, ये चीज़ बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये सारी चीज़ें, ये सारी कहानी पता होना चाहिए। अब आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर मान लीजिए सर मैं 16 साइज से ज़्यादा एलिमेंट डालता हूँ, मैं एक बकेट के अंदर 16 साइज होती है, मैंने 16 से ज़्यादा एलिमेंट दे दिया तो क्या होगा? तो यहाँ पे होगा ये कि ये डायनेमिकली अनस्टेबल क्रिएट होगा। कितना क्रिएट होगा? तो वो जो क्रिएशन होता है, यानी कि वंस वी आर एडिंग मोर वैल्यू बियॉन्ड द साइज ऑफ हैस्टेबल, है ना, जब हम हैस्टेबल की बियॉन्ड साइज हम वैल्यूज ऐड करते हैं तो हैस्टेबल रिक्रिएट होता है। और वो जो रिक्रिएशन का प्रोसेस है दैट इज कितना क्रिएट होगा, वो है लोड फैक्टर डिसाइड करता है। तो लोड फैक्टर बाई डिफॉल्ट होता है 0.75, यानी कि 0.75 बढ़ेगा ये लोड फैक्टर। आपने कहा नहीं मैं खुद देना चाहता हूँ तो आप दे दो लोड फैक्टर यहाँ पे इस कंसेप्ट। तो यानी कि जो भी एक्चुअल साइज होगी इसका 0.75% बढ़ जाएगा। समझ में आया लोड फैक्टर क्या है? पूछा जाता है इंटरव्यू में क्वेश्चन, हैस्टेबल क्या है, लोड फैक्टर क्या है, क्लियर? सही बात है, लोड फैक्टर होता है। अरे लोड फैक्टर कुछ नहीं है, बहुत ये है भाई कि जैसे मान लो कि हैश टेबल की साइज कितनी होती है, हैश टेबल की साइज कितनी होती है, 16 कैपेसिटी 16 बकेट बोलो, क्या बोलोगे, बकेट 16 बकेट, टोकरी अच्छा हाँ जी टोकरी हाँ, टोकरी ही समझ लो आप। और एक टोकरी के अंदर एक ही एलिमेंट जाएगा ये भी पता होना चाहिए, वन बकेट कैन स्टोर ओनली वन एलिमेंट। और बकेट का इंडेक्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट क्ले, ऑब्जेक्ट से हैश कोड निकाल के और टोटल नंबर ऑफ बकेट से रिमाइंडर जो मिलता है वो बकेट का इंडेक्स होता है। और इक्वलिटी चेक करा जाता है इक्वल्स के थ्रू, ताकि देखा जाए कि एलिमेंट्स है या नहीं, अगर है तो ऐड ही नहीं करने जाएगा। और अगर हमारे बकेट की साइज 16 और 16 से ज़्यादा एलिमेंट ऐड करोगे तो डायनेमिकली बढ़ना होगा ना, यहाँ साइज कलेक्शन है भाई, कलेक्शन फ्रेमवर्क में पूरा ये तो कहानी होती है, डायनेमिकली बढ़ता है ये। तो ये डायनेमिकली कितना बढ़ेगा? जो भी आपका एक्चुअल साइज होगा उसका 0.75%, और ये जो 0.75% है जो बढ़ रहा है उसी बढ़ने वाले को हम लोड फैक्टर बोलते हैं, यही तो लोड फैक्टर है। और ये लोड फैक्टर आप दे भी सकते हो कि नहीं, हम अपने हिसाब से देना चाहते हैं, 0.85 दे सकते, ये 0 से 1 के बीच में ही दे सकते हो, लेकिन 0 से 1 के बीच में दे सकते हो, 0 से 1 के फ्लोट में दोगे, 0.65 दे दो, 0.55 दे दो, आपकी मर्जी, लोड फैक्टर आप दे सकते हो यहाँ पे, क्लियर? तो ये है सेट की पूरी कहानी हो गई, है सेट की इंटरनल फंक्शनलिटी हो गई। कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप बार बार पूछ लीजिए मेरे से, और आपके लिए एक टास्क दे देता हूँ। टास्क ये है कि भैया आपको है सेट के अंदर यूज़र डिफाइन क्लास के ऑब्जेक्ट को ऐड कराना है, करा लोगे?